Excuse me, can you please move the boxes in, please? Hi. What's your name? Shalini? चल चल अंदर चल कपड़े बदल ले खाना तैयार है तुम्हारा चल अक्षय कर दी कपड़े वेल इट्स सच अ वियर्ड प्लेस आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड लोग ऐसा क्यों करते हैं सो मेरे ऑफिस में अभी शैरन ने ज्वाइन किया है तो शैरन इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और जब शैरन ज्वाइन करने वाली थी सो पूरे ऑफिस में ना ऐसे हड़कंप मच गया बिल्कुल मतलब स्पेशली विद इन बॉयज़ कि चिंकी ज्वाइन कर रही है चिंकी ज्वाइन कर रही है चिंकी ज्वाइन कर रही है तब तक हमारे ऑफिस में कोई चिंकी नहीं थी और लड़के बोलने लगे मेरे ऑफिस में कि यार अब तो मज़ा आ जाएगा लाइफ में लोग बोल रहे हैं कि अरे बहुत अप्रोचेबल और ईजी होते हैं और शैरन के ज्वाइन करने के बाद सब लोग बस ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसके आसपास बैठे एंड आई फेल्ट वेरी वियर्ड सीइंग दिस सो आई एम अ फोटोग्राफर एंड आई कीप ऑन ट्रैवलिंग फॉर वर्क एंड माय लास्ट ट्रिप वाज टू स्कॉटलैंड एंड देयर आई मेट दिस अमेजिंग गर्ल कॉल्ड एमी एंड शी हैड दिस ह्यूज फैसिनेशन फॉर इंडिया प्रॉब्ली दैट वाज द रीजन दैट शी वाज सो नाइस टू मी एंड शी एक्चुअली टुक टाइम आउट टू शो मी द सिटी थ्रू अ लोकल्स पर्सपेक्टिव दैट आई वैल्यू अ लॉट एज अ फोटोग्राफर And I told her then only that whenever she's coming to India, she just has to call me and I'll be there for her. And guess what? After 6 months, I get a call from Amy saying that she's coming to India. And I went to the airport to pick her up and she was so happy to see me. And she said, you guys actually take your guests as gods. Aapne dekha? Gupta ji ne apna rent wala flat kise diya hai? Aho! एक फिरंगी लड़की को हाँ पागल ही हो गए हैं गुप्ता जी अरे कोई सोसाइटी की चिंता विंता है कि नहीं हाँ खुद तो यहाँ रहते नहीं है किसी को भी दे दिया रेंट पे लेकिन हमें तो संभल के रहना पड़ेगा ना अब पता नहीं क्या क्या होगा इस बिल्डिंग में अरे गुप्ता जी ने कभी सोचा है कि ये सब चीज़ों का हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा लेकिन नहीं उन्हें सिर्फ अपनी रेंट की पड़ी है हम भाड़ में जाए या हमारे बच्चे भाड़ में जाए क्यों एक मिनट मैं कल सोसाइटी सेक्रेटरी से बात करता हूँ कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा ठीक है बेटा शालिनी तुम थोड़ा उस लड़की से दूर ही रहना ओके Thank you.
फिर स्ट्रगलिंग टू फिट इन. शैरन हमारे साथ खाने लगी, हमारे साथ लंच पर बैठी. विद इन आई गेस फिफ्थ डे अंकिता शैरन से पूछती है कि यार तुम लोग वेजिटेरियन नहीं खाते क्या? ऐसा कौन, अरे हम किसी पंजाबी या मल्लू से कभी पूछते हैं क्या कि तुम वेजिटेरियन नहीं खाते हो क्या? बट शैरन इज सच अ स्वीट गर्ल, शी जस्ट स्माइल्ड एंड शी सेड यार आई लाइक फिश. And she had this childlike excitement, you know, I could just see it on her face. And she was liking everything about India, and the air, the even the traffic. And she was saying, I can feel the vibes, it's so good. वहाँ पे धुआँ था, वहाँ so polluted, पता नहीं क्या अच्छा लग रहा था उसको. And we reached our society, and when as we were entering, the guards actually stopped us, and वो बोले कि ये अंदर नहीं जा सकती. तो I was like, क्यों नहीं आ सकती, मेरी दोस्त है. नहीं अलाउड नहीं है. अलाउड नहीं है मतलब क्या, मतलब पहले भी मेरे बहुत सारे दोस्त आके रहे हुए हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है, तो क्या दिक्कत है? नहीं नहीं बस ये अंदर नहीं जा सकती है. क्या करते हो सिकड़े तुम्ही? ये तुमच्या कडे चालत असेल, इकडे नाही चालणार. व्हाट आर यू सेइंग सर? कंप्लेंट है आपके खिलाफ. अब भाई तुम्ही क्या करते हो? मैडम लिसन टू मी, this will not go here, okay? Whatever you are doing here, this is not good. What nahi usne kya kiya, dekhna kya ho raha hai. Throw me out. He has to shut the gate, let him go. He cannot. You please get outside. Permission mere paas hai. Jaiye jaiye hum dekhte kya ho raha hai. Why should I allow? Hume pata hai. Why should I allow? Society people jaiye na. Permission mein samajh nahi liya. Let him do his work. Are baat karo ye ya shut the gate. Aur udhar kya? Shali at her in a different way, and probably she was also sensing there is something wrong, and I felt so embarrassed right there in front of her. And I created a scene there. I like mera ghar hai bhai, mere dost to aa sakte hain. And the chairman came and he took it to another level altogether. Wo kuch bhi bolne lag gaya, matlab hume pata hai aisi ladkiyan kya karti hain aur क्या चलता है, और फैमिली सोसाइटी है, ये सब चलेगा नहीं यहाँ पे. एंड इट वाज हॉरिबल. थैंक गॉड ही वाज स्पीकिंग इन हिंदी, शी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग. इट वाज रियली ह्यूमिलिएटिंग फॉर मी, यू नो. एंड फाइनली आई हैड टू टेक हर टू अ होटल, यू नो, दे जस्ट वुडंट लेट अस इन. एंड शी केप्ट ऑन आस्किंग मी, यू नो, व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड आई डिडंट नो व्हाट टू टेल हर. So much for Atithi Devo Bhava, I guess. Hello, tu kahan pe? Please jaldi aana. Tujhe pata hai na ye area kaisa hai? Jaldi aa. वाली है, ठीक है मैं निकल रही हूँ. आगे जाने दो मुझे. हाँ जाने, क्यों जाने? प्लीज छोड़ दो. उधर नहीं जाने. सहेली नहीं आई? Girl has lot of courage. मतलब she didn't give in.
also she has a cubicle. Uske cubicle mein na bahut sare notes aur she draws and she write quotes. So in my office there is one guy, his name is Rahul, hamara colleague. So wo aadhe se zyada time aise hi pressure mein rehta hai deadline wagere ke karan. So Sharon must have realized that he is in stress and she did a very sweet thing. She made a note, she wrote breathe and take it slow. और ये ना उसने राहुल के डेस्क पे जाके लगाया. एंड आई वाज लाइक इट्स सच अ नाइस जेस्चर. कोई नहीं करता यार आज के टाइम में. एक तो ऑफिस में किसी को टाइम नहीं है और इतना कुछ करना कि अपने कलीग को चेयर अप करो, दैट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स. देन आई वाज लाइक कि चलो अभी एटलीस्ट पीपल विल एटलीस्ट सी हर बियॉन्ड चिंकी. बट देन वन डे आई वॉज जस्ट गोइंग बाय एंड पासिंग बाय द पेंट्री एंड द सेम राहुल वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स कि यार शैरन ने ना मुझे दिया है, अब तो देख मेरा तो चांस लग गया. मतलब एंड आई फेल्ट बैड. आई फेल्ट दैट होप दैट आई हैड वाज ब्रोकन. शालिनी तू उस लड़की के साथ क्या कर रही है? चल. थैंक यू. दैट डे व्हेन द कॉप्स केम आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. I was just having a housewarming party. I know. I don't know why we do this xenophobia and क्यों हम अपने stereotypes से लोगों को जैसे judge कर देते हैं. If you could only just accept people, everyone will feel belonged.